60 साल की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला प्रसादीलाल रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि उषा शर्मा नाम की महिला अपने परिवार में अकेली रहती थी। उनके परिवार में केवल सुनील दत्त शर्मा देवर और वह उनसे अलग रहते थे। दरअसल क्षेत्रवासियों ने बताया कि 3 दिन से हमने जब पड़ोसी उषा शर्मा को घर के दरवाजे पर नहीं देखा तो हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण खुला नहीं, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर पुलिस ने उषा शर्मा का दरवाज़ा बाहर से तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो उषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस बात की सूचना फॉरेंसिक टीम को दी। साथ ही फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम ने मिलकर बॉडी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा किया जा सकेगा। जी, क्या नाम आपका? सुधीर दत्त शर्मा। सुधीर जी, कौन थी आपकी महिला? भाभी थी। हाँ। क्या नाम था इनका? श्रीमती उषा शर्मा। उषा शर्मा, कितनी उम्र थी लगभग? 62 साल। क्या मामला, क्या हुआ है? हमें तो कुछ नहीं, रहती थी अकेली अपने घर में। हमें तो अभी पता लगी जब ये लोग आ गए, इन्होंने खोला। पुलिस आई यहाँ पे? हाँ, ये बराबर दुकानदार है, इन्होंने फोन करा था अभी, इन्हें कुछ आवाज़ नहीं आई तो इन्होंने फोन करा था वहाँ पर। क्या लगता है, मतलब तबीयत आपकी कैसे? नहीं नहीं, वैसे तो बीमार रहती थी, ब्लड प्रेशर शुगर की मरीज थी। अब क्या हुआ पता नहीं चला? ना, कुछ नहीं पता। आपको कब पता चला? आपको बस अभी पता लगी हमें। गेट बंद था ये? नहीं नहीं, गेट पे ऐसा था, ये हम लोगों से संबंध नहीं रखती थी कोई, हमारा कोई वो नहीं था, इनका आना जाना नहीं था कोई। इनके फादर की कस्टडी में थी अपने, वही आते जाते थे, वही लोग सब करते थे। उन्हें अब फ़ोन करा तो उन्होंने मना कर दी, हम लोग नहीं आएंगे, हमारी तबीयत खराब है। 2 भाई हैं उनके और भतीजा है, फादर हैं, सब चंदौसी में रहते हैं। अकेली रहती थी घर में? कभी चंदौसी चली गई, कभी यहाँ रहती थी। यहाँ अकेले रहती थी? हाँ। काम करती थी? काम कुछ नहीं करती थी, घर पे रहती थी। भाई साहब की पेंशन मिलती थी उससे। पुलिस आई है? हाँ है, तो पुलिस देख रही है। हाँ। भी आई है? वही देख रहे हैं वो लोग बस। मोहल्ला कौन सा? मोहल्ला कौन सा है? प्रसादीलाल रोड, चौक ताली खाना, मुरादाबाद। गली नंबर नहीं होती हमारे, क्योंकि बाहर फ्रंट है ना हमारा, गली नंबर से थाना सीट है। क्या नाम आपका? मेरा सुधीर दत्त शर्मा। आप ही हैं परिवार में? हैं परिवार में आप ही हैं बस? नहीं, छोटा भाई है सुनील दत्त शर्मा, वो भी बराबर में ही रहता है। ये अकेले? इतनी अकेली? हाँ, अकेली।